मैं हूं दानिश और स्वागत है आपका डिजिटल दानिश में। दोस्तों मैं जो फेसबुक का कोर्स आपको बता रहा हूं उसी कोर्स को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक पिक्सल क्या होता है, फेसबुक पिक्सल को हम अगर शॉपिफाई में अगर इंस्टॉल करना हो तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, फेसबुक पिक्सल को अगर हमें वर्डप्रेस में, अगर हमारी वेबसाइट ई कॉमर्स की वेबसाइट है और वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसमें इंस्टॉल करेंगे तो कहां से करेंगे, कैसे करेंगे। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक पिक्सल के डेटा को आप कैसे रीड करोगे और उससे कैसे नई ऑडियंस बनाओगे जिससे आप एक बेस्ट ऑडियंस बना के अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ा सकते हो। देखो ई कॉमर्स का अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तब आपके लिए फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करना अपनी वेबसाइट पर बहुत जरूरी है। मतलब आज की डेट में अगर आप कैंपेन चलाते हो फेसबुक पे कन्वर्जन वाला तो बिना फेसबुक पिक्सल के आप नहीं चला सकते, फेसबुक पिक्सल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे तभी जाके आप एक कैंपेन रन कर सकते हो, जिससे क्या होता है कि फेसबुक आपकी जो वेबसाइट के विजिटर हैं उनका इंटरेस्ट रीड करता है, उनका बिहेवियर रीड करता है और आपको एक अच्छी ऑडियंस प्रोवाइड करवाता है। तो सीधे चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर और समझ लेते हैं क्या होता है फेसबुक पिक्सल, कैसे हम इसको शॉपिफाई में इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम इसको वर्डप्रेस की वेबसाइट में इंस्टॉल करेंगे और साथ ही कैसे इसका डेटा को रीड करेंगे, कहां से हमें इसके ऑप्शंस मिलेंगे, क्या क्या ऑप्शंस इसमें है, क्या इंटरफेस है इसका, सारी चीजें डिस्कस करते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, मैं आपको आज बताऊंगा कैसे आप फेसबुक पिक्सल को इंस्टॉल करोगे और कैसे उसका जो डेटा होता है उसको रीड करोगे। तो मैंने आपके सामने अपना एक एड मैनेजर ओपन कर रखा है और जल्दी से चलते हैं और एक पिक्सल को क्रिएट कर लेते हैं और मैं आपको वर्डप्रेस में बताऊंगा कैसे आप उसको इंस्टॉल करोगे अगर आप वूकॉमर्स से बिजनेस कर रहे हो। और शॉपिफाई में तो जब आप एड मैनेजर बनाओगे शॉपिफाई के थ्रू तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो मैं आज आपको इसमें वर्डप्रेस से कैसे आप वर्डप्रेस में जाके कैसे इंस्टॉल करोगे और पिक्सल बनाते कैसे हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ। अकाउंट मैनेजर पर चलेंगे, यहाँ पर हमें दिखेगा बिजनेस सेटिंग, बिजनेस सेटिंग पे क्लिक कर देंगे और यहाँ आप देख सकते हो डाटा सोर्स में आएगा पिक्सल, पिक्सल पे हम क्लिक कर देंगे, ऐड न्यू पिक्सल कर देंगे और एक पिक्सल का नाम ले लेंगे, इसको मैं याद रखने के लिए अपने नाम से डाल देता हूँ, कंटिन्यू कर देंगे इसको। अभी हमसे दो ऑप्शन पूछा है, आर यू रेडी टू सेट अप योर पिक्सल, कंटिन्यू मैनेजिंग माई बिजनेस, सेटअप द न्यू पिक्सल, तो हम सेटअप न्यू पिक्सल पे क्लिक कर देंगे। अभी इसने तीन ऑप्शन हमें दिए हैं कि ऐड कोड यूजिंग ए पार्टनर इंटीग्रेशन, मतलब बहुत सारे पार्टनर इसमें ऑलरेडी इंटीग्रेट हैं उस पर बहुत ईजी हो जाता है आपको पिक्सल को इंस्टॉल करना, मैन्युअली ऐड पिक्सल कोड, मतलब अगर आप मैन्युअली इस पिक्सल कोड को कॉपी पेस्ट करके ऐड करना चाहते हो वेबसाइट में तो कर सकते हो, और एक ईमेल पे ये कोड ले सकते हो ताकि आप अगर अपने वेबसाइट जो बनाई है आपके डेवलपर ने बनाई है तो वो डेवलपर को वो कोड दे दोगे आप और वो इसको इंस्टॉल कर देगा। तो ये जो वर्डप्रेस जिसकी बात कर रहा हूँ मैं वूकॉमर्स की वर्डप्रेस की, वो ऑलरेडी इसमें पार्टनर इंटीग्रेशन में है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे पार्टनर इंटीग्रेशन। अब आप देख सकते हो बहुत सारे पार्टनर हमारे सामने हैं, शॉपिफाई है यहाँ पर आपके सामने, वूकॉमर्स है, वर्डप्रेस है, तो हम वर्डप्रेस के लिए करना चाह रहे हैं तो वर्डप्रेस पे हम क्लिक कर देंगे, ऐड मैचिंग स्पेस को एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ से हमें एक पिक्सल का जिप कोड मिल जाएगा, मतलब जिप फाइल मिल जाएगी पिक्सल की, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो चुकी है, अब इसको मुझे करना क्या है, अपने वर्डप्रेस की जो मैंने वेबसाइट आपको दिखाई थी वहाँ पर जाना है, प्लगइन्स पे क्लिक करना है और ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाके मुझे क्लिक करके इस पिक्सल को अपलोड करना है। तो आप अपलोड प्लगइन कर दोगे, ये आपको इस तरीके से डैशबोर्ड सामने आ जाएगा, चूज़ कर लोगे इसको, इस फाइल को आप अपलोड करा दोगे जल्दी से, ये मैंने इसको अपलोड करा दिया। देन कंटिन्यू यहाँ पर आके देख लेते हैं, ये हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि वर्ड प्रेस पे आपको कैसे पिक्सल को इंस्टॉल करना था, तो प्लग इन पे गया, ऐड न्यू पे गया ये, देन कंटिन्यू, चूज फाइल, इंस्टॉल एक्टिव, हमारे पास ये पोर्शन आ चुका होगा, ये आप देख सकते हो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिव प्लग इन कर लेंगे इसको, देन कंटिन्यू। तो अब हमने कंटिन्यू कर दिया है, अब आप देख सकते हो इस तरीके से आपके सामने ये इंटरफेस आ रहा है और यहाँ पर पिक्सल आईडी आ रही है, क्योंकि ये नया अपडेट है, मैं आपको अपडेट कर दूँ, ये नई चीज़ है, पहले नहीं आती थी लेकिन अभी क्या है अभी आ रही है। तो
तो ये पिक्सल आईडी है और इसको हम कॉपी कर लेंगे और जो हमारा पिक्सल हमने इंस्टॉल किया है वहां पर इसको पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे यहां से, इसको कंटिन्यू कर देंगे। अपनी वेबसाइट का हम यूआरएल डाल देंगे और टेस्ट ट्रैफिक सेंड कर देंगे। ये काफ़ी, ये ओपन हो चुकी है हमारे सामने वेबसाइट और ये जो हमारा पिक्सल है ये वेरीफाई हो रहा है अभी, तो इट विल टेक सम टाइम, इसको होने देते हैं। अब आप देख सकते हो ये एक्टिव हो चुका है हमारे सामने, देन इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब अगेन हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं फिर से ओपन वेबसाइट करके, और यहाँ से हम इवेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप जब वू कॉमर्स की अगर मैं आपको कोई वेबसाइट दिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कैसे आप इवेंट सेलेक्ट करोगे। जैसे सपोज मुझे सबमिट बटन जो है ना इस पर काम करना है, ट्रैकिंग इस पर करनी है, अगर ये सेल बटन होता तो वेल एंड गुड, यहाँ पर हम कर ही लेते बाय नाउ के बटन पे, वो ऑटोमेटिकली हो ही जाता। ट्रैक न्यू बटन, तो हम यहाँ से इसको, इस बटन को ट्रैक कर सकते हैं। अब इस बटन से रिलेटेड जितने भी इवेंट होंगे, कोई भी विजिटर आके इस बटन पर क्लिक करेगा तो वो मेरा यहाँ पर, मैं उस इवेंट को कंटिन्यू कर सकता हूँ, इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ कि वो मेरी एक लीड जनरेट हो जाएगी। तो जब भी मैं कोई लीड कैंपेन चलाऊंगा तो वो उसकी ट्रैकिंग मैं यहाँ से कर लूँगा। कोई बंदा अपना मेल डालेगा यहाँ पर आके और सबमिट करेगा तो वो मेरी लीड मानी जाएगी। तो इस तरीके से मैं डिफरेंट डिफरेंट इवेंट को ट्रैक कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट पर। अब एक बार फिर आ जाते हैं हम अपने फेसबुक पे, इसको कंटिन्यू कर देते हैं, हमने इवेंट ट्रैक कर लिया है। तो टेस्ट इवेंट, अगेन मैं इसमें एक अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दूंगा, वेबसाइट ओपन हो चुकी है मेरी, डिजिटल दानिश मलिक @gmail.com, इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। अब देखते हैं हमारे फेसबुक ने इसको कैसे ट्रैक किया। तो आप देख सकते हो कि सेम टाइम पे अभी इसने एक लीड जनरेट की है, और ये लीड क्या है आप देख सकते हो, एक लीड जनरेट हुई है, पेज व्यू हुआ एक और एक लीड आई साथ में, और ये लीड किस बटन से मुझे मिली है इसने उसको भी बता दिया, सबमिट बटन से मुझे ये लीड मिली है। दोस्तों अब चलते हैं, मैं एक पुराना पिक्सल है मेरा, मैं उसको दिखाता हूँ उसका डेटा कैसे रीड करेंगे, पिक्सल को जो डेटा होता है उसको कैसे एनालिसिस करते हैं। तो मैंने आपके सामने एक अपना पुराना पिक्सल ले लिया है, जो कि मैं इस पर थोड़ा सा वेबसाइट में डाल रखा है इसको, और इस पर शायद शॉपिंग वॉपिंग चल रही है थोड़ी। तो इसके डेटा को एनालिसिस कर लेते हैं, कैसे हम डेटा को एनालिसिस करेंगे और क्या क्या डेटा हमें पिक्सल देता है। तो न्यू यूज़र कितने हैं, इतने 28 डेज में 4.78K न्यू यूज़र हैं, यूनिक 5.2 हैं, रेवेन्यू मुझे 3.38K स्टोर से मिला है, ये मेरा एक साइड स्टोर है जो ऑटोमेटिक बेस पे चल रहा है, अर्निंग कर रहा है। तो परचेज है, कन्वर्जन रेट काफ़ी सही है इसका, 3.59% है, और ये इस तरीके से डेटा मुझे मिल रहा है, आप देख सकते हो सारा कहाँ से आया है, सोशल मीडिया से आया है, और इस इंडिया का मेरा ये स्टोर है, और आप देख सकते हो किस किस, मतलब पर्टिकुलर किस डे में किस आवर में मुझे ट्रैफिक मिला है। अगर मैं संडे की बात करूँ तो 6 AM मतलब अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो गया हमें ट्रैफिक मिलना, और ये शायद मे बी ऐड बंद रहा होगा, और मंडे में कब मिला ट्रैफिक, ये जो आप देख रहे हो ना ये ज़्यादा ट्रैफिक है और ये कलर के हिसाब से है ये। अब बात करते हैं पीपल एक्टिविटीज़ की, मतलब डेमोग्राफिक चलते हैं पहले। हमें जो ऑडियंस बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है वो पिक्सल से मिलती है, जब हम पिक्सल को अच्छे से रीड कर लेते हैं तो हम एक अच्छी ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस बना सकते हैं अपने किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, चाहे वो हमारा प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी सर्विस हो, हम टारगेट कर सकते हैं उस ऑडियंस को जो इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में। तो जो मैंने इसका, इस स्टोर के लिए जो मेरा एज ग्रुप है वो आप देख सकते हो 35 से 34 45 तक है, मतलब 25 साल से लेकर 44 साल तक के लोग ज़्यादा मेरे स्टोर में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जो सबसे हाई इंटरेस्टेड लोग हैं वो है 35 से लेकर 45 के बीच में। और इसमें कितने फीमेल है कितने मेल हैं ये आपके सामने है, क्योंकि फीमेल तो बहुत ही कम है, तो काफ़ी सारे मतलब जो मेल्स ही हैं, और मैं इसमें जो ऑडियंस अगर मैं सिलेक्ट करूँगा नेक्स्ट टारगेट, मैं टारगेटेड ऑडियंस के लिए जो एडवर्टीजमेंट बनाऊंगा उसमें जो मैं ऑडियंस को टारगेट करूँगा 25 से लेकर 55 तक मैं इसको बना सकता हूँ, बहुत अच्छी मेरे लिए ऑडियंस एज रहेगी। अब कंट्री कौन सी है, कंट्री इंडिया है, डेफिनेटली मैंने इंडिया के लिए चलाया है। सिटीज़ में आपके सामने है ये, दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, पुणे, लैंग्वेज इंग्लिश है,
तो चलिए अब बात करते हैं इवेंट्स की। जो ऑडियंस मेरी वेबसाइट पे आई थी उसका क्या इवेंट रहा, क्या उसने किया मेरी वेबसाइट पे आके। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन, कितने 224 लोगों ने मेरे वेबसाइट पे आके ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन डाली है जिससे मुझे इतना रेवेन्यू मिला है। यूनिक इसमें थे 198, मतलब इसमें रिटर्निंग कस्टमर भी मेरे कुछ थे। ऐड टू कार्ड 247 है, कंटेंट रीड 7.323K, मतलब 7000 लोगों से ज़्यादा ने लगभग मेरे जो डेटा को रीड किया है। चेकआउट इनिशिएट कितने लोगों ने किया, 633 लोगों ने। और पेज व्यू परचेज टोटल जो मेरी हुई हैं वो हुई हैं 211, मतलब 211 मेरी परचेज हुई हैं इससे। इसको आप रीड कर सकते हो कि आपके अगर चेकआउट ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं और ऐड टू कार्ड ज़्यादा हो रहे हैं तो आप देख सकते हो कि क्या आपके चेकआउट प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारा डेटा आप फेसबुक पिक्सल से रीड कर सकते हो और अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा कि फेसबुक पिक्सल कैसे काम करता है, कैसे हम इसको वर्डप्रेस की वेबसाइट में इंस्टॉल करें। देखो शॉपिफाई में जब मैंने आपको बताया था कि शॉपिफाई से कैसे आप फेसबुक एड मैनेजर बनाओगे, तब एड मैनेजर बनाते वक्त ही ये फेसबुक पिक्सल ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया था। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस के लिए काम कर रहे हो, वर्डप्रेस पे काम करते हो, आपका जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है वो वर्डप्रेस पे है, वूकॉमर्स पे है, तब आपको ये मैन्युअली करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी इंटीग्रेशन इसने दे रखा है। अगर आपकी कोई वेबसाइट ऐसी है जिसको आपने अपने डेवलपर से डेवलप करवाया है, बनवाया है, तब आपको एक कोड मिलेगा जिसको आपको अपनी वेबसाइट पे डालना होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको जो फेसबुक पिक्सल आपको रीड करना आना चाहिए, कैसे उसका डेटा को रीड करेंगे। आप जब भी कोई कैंपेन चलाते हो तो कम से कम एक हफ्ते के बाद उसको देख लो कि फेसबुक पिक्सल कैसा डेटा आया। मैं तो हर तीसरे दिन इसको रीड करता हूं और आपको सजेशन भी दूंगा कि कम से कम 3 दिन बाद आप इसको डेटा को देखो कि क्या डेटा आपको मिल रहा है, क्या आपके जो वेबसाइट विजिटर हैं उनका बिहेवियर है, क्या डेमोग्राफिक है उनका, क्या उनकी एज है, किस जगह से वो आ रहे हैं, कितनी देर आपकी वेबसाइट पे, क्या इवेंट वो जनरेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब आप सीख जाओगे, समझने लगोगे, अपनी ऑडियंस का बिहेवियर को आप समझने लगोगे, तब आप एक अच्छी ऑडियंस जनरेट कर पाओगे, मतलब एक अच्छी टारगेटेड ऑडियंस आप जनरेट कर सकते हो जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे आप गूगल में, आप गूगल एनालिटिक्स से आप ये डेटा को रीड कर सकते हो, वैसे ही फेसबुक में फेसबुक पिक्सल के थ्रू आप इस डेटा को रीड कर सकते हो और अपनी ऑडियंस को अच्छे से अच्छे इंप्रूव कर सकते हो और एक अच्छी टारगेटेड ऑडियंस आप बना सकते हो जिससे आपका कन्वर्जन अच्छा आए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से उस इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।